नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों को कत्ल का मामला सामने आया है। यहां बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। वही कातिल बने भाई ने बचाने पहुंचे पिता को भी जख्मी कर दिया। बिलग्राम कोतवाली के गुरौली गांव में देर रात को हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। लड़का ना मेहरुआ ने मारी डारो नी, यहाँ पर खादी डारो नी। किस चीज से मारपीट की थी, क्या बात हुई थी? कुछ ना भैया, हुआ परे रहा परे हुआ रहा यही कान लगे काहे रे गारी रे तेते ही परिया लड़के कुल्हारी खा दी तो सबूत। थाना बिलग्राम में गाँव पड़ता है गुरौली, जहाँ पर राति में एक चंद्रिका है अपने छोटे भाई से, दोनों शराब के नशे में थे, कहा सुनी होने लगी किसी बात को लेकर, उसी में वो कहा सुनी मारपीट के बदल गई। जो है ये चंद्रिका ने अपने भाई को लाठी से मक्के से मार दिया, इसमें बेसुध हो गया। वही अगली खबर महोबा से है, जहां पुलिस लिखी तेज रफ्तार ऑटो कार ने हिट एंड रन की वारदात को अंजाम दिया है। सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के चार लोगों को बुरी तरीके से कार ने रौंद दिया है। जी हाँ, इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, तो वही दूसरी महिला की रेफर के दौरान मौत हो गई, जबकि मासूम बच्ची सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वही पुलिस ने शराब के नशे में कार में सवार तीन युवकों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट चुकी। वही अगली खबर फारुखाबाद से है, जहाँ सीएमओ ऑफिस ने भ्रष्टाचारियों के खेल का रुख नहीं किया। वही सीएमओ लगातार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बबुआओं से रिश्वत खोरी करवा रहे हैं। जहां डी फार्मा करने वाले छात्रों से इंटर्नशिप करवाने के नाम पर 2000 लिया जा रहा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर सीएमओ कार्यालय के बाबू राजवीर का रुपए लेते हुए वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि दलित 11वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। जहां पर पिटाई का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, वहीं पीड़ित छात्र ने अपने पिता के साथ पुलिस से शिकायत की है, जहां पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी और लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। मेरा नाम हंसराज है और अभी 2-4 दिन पहले शुक्रवार की बात है, मेरा बच्चा क्या शाम को 5:30 बजे ट्यूशन के लिए जाता है कोचिंग, तो उधर पे 4-5 लड़कों ने इसको घेर के पकड़ा गेट के पास पहले ही और इसको मारा भी, ज़बरदस्ती माफ़ी भी मंगवाई, पैर भी छुपवाए है और 2-3 लड़कों ने इसको झापड़ मारे। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 नाबालिग बच्चों के बीच में मारपीट की घटना हो रही है। इसके संबंध में संज्ञान लेकर के इनके जो परिवार के लोग हैं और इनको खुद को भी सबको थाने पर बुलाया गया है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां समथर थाना क्षेत्र के ग्राम चिरगांव खुर्द में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव से निकली 11,000 की लाइन का तार टूटकर नीचे रखे महिंद्रा और सोनालिका ट्रैक्टर पर गिर गया। जी हाँ, जिसके बाद ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। हालांकि ग्रामीणों का कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रैक्टर के ऊपर बिजली का तार गिरने से ट्रैक्टर के टायर झुलस गए हैं। सूचना मिलते ही समथर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले का जायजा लिया। वही अगली खबर कासगंज से है, जहां किसान से मारपीट करने वाले दरोगा को एसपी ने हाजिर किया है। जी हाँ, किसान ने दरोगा सचिन कुमार को 2 सिपाहियों पर लगाया था मारपीट का आरोप, जिसके बाद दरोगा ने जुआरी समझकर किसान कमल के साथ लात भूसों के साथ मारपीट कर ली। वही दरोगा की पिटाई से किसान कमल के गले की हड्डी टूट चुकी है, वही पसली भी टूट चुकी है, जिसके बाद से दरोगा के ऊपर इस वक्त तीखी तलवार लटक रही है। जो है अब इस पूरे मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने दरोगा के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। वही अगली खबर कासगंज से है, जहां सोरो कोतवाली पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में वांछित चल रहे थे ये दोनों के दोनों अभियुक्ति। सोरो कोतवाली पुलिस ने अगौली चौराहे के समीप से इन दोनों अभियुक्ति को गिरफ्तार किया है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां तहसील गरौठा पर शफीना बानो पत्नी आशु खान निवासी शहीदगंज गुरसराय का गंभीर बीमारी के चलते मेडिकल कॉलेज झांसी में इलाज चल रहा था।
इस दौरान 19 जुलाई को शफीना बानो की मौत हो गई। जो यहाँ 20 जुलाई को शफीना बानो के मृत शरीर को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वही मृत शफीना बानो के पिता अनीश खान का कहना था कि उनकी बेटी के ससुराल जनों ने उनकी बेटी को कोई जहरीली चीज खिलाकर मार दी है, जिसके लिए अनीश खान ने जिलाधिकारी झांसी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हमारी बेटी को उसके ससुराल जनों ने जहर देकर मार दिया है, इसलिए हमारी बेटी के मृत शरीर को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया जाए, जिससे हमारी बेटी की मौत का सही कारण पता लग सके। जो अनीश खान के प्रार्थना पत्र के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश अनुसार आज शफीना बानो के मृत शरीर को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून समान नागरिक संहिता लागू करने वही लव जिहाद रोकने और मेवात में हुई घटना को लेकर आज सहारनपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और अपना प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि आज राष्ट्रीय बजरंग दल के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे संगठन के केंद्रीय नेतृत्व आह्वान के ऊपर हमारा 5 सूत्रीय कार्यक्रम ज्ञापन का माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हम भेज रहे हैं। हमारे 5 सूत्रीय ज्ञापन है, जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में जल्द से जल्द लागू की जाए, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद के ऊपर केंद्र में कानून बने, नू मेवात के अंदर हरियाणा के अंदर जो धर्मियों द्वारा जिहादी तत्वों द्वारा हिंदू समाज की शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही शोभा यात्रा पर जो पथराव किया गया, हिंदू समाज के वाहन जलाए गए, हिंदू समाज की संपत्तियों को नष्ट किया गया, उनके ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई केंद्र सरकार करे। वही अगली खबर कासगंज से है, जहां सावन माह की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों में कावड़ यात्रा निकलने की होड़ मच गई है। जहां देखिए कि वही शिव भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है, वही हर जगह कावड़ लिए शिव भक्त नजर आ रहे हैं। मान्यता है कि कावड़ यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। जी हाँ, कावड़ यात्रा के दौरान बोलबम के नारों से पूरा देश गूंज उठा है। इस बीच यूपी के कासगंज से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जिसने देश भर के लोगों का दिल जीत लिया है। इस तस्वीर में शिव भक्तों ने ऐसी कावड़ यात्रा निकाली है जिसे देखकर लोग अपना दिल हार बैठे हैं। इसके साथ ही शिव भक्तों को कलयुग का श्रवण कुमार कहा जाने लगा है। इस कावड़ को लेके जा रहे हैं 8 लोग, कब तक पहुंच जाएंगे भाई? कोई पता नहीं है, टाइम कितना लग जाएगा। कितने किलोमीटर का रन होगा? मेरा किलोमीटर का रन है करीब 150 किलोमीटर। खैरा से लेके आए परनाल के पास, करल सोरो ले जानी सोरो घाट में। कितने दिन का ये रन है, कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये है मैक्सिमम 170। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।